हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारती बाय प्रोफेशन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। लेट्स स्टार्ट टू दिस वर्क। आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, मैंने लिया एक पुराना केक बोर्ड। तो आज केक बोर्ड से हम बनाएंगे अपना न्यू DIY। पहले मैंने केक बोर्ड के ऊपर जैसो अप्लाई किया है। जैसो की मैं डबल कोटिंग करूँगी क्योंकि ये काफ़ी रफ स्पेस है तो इतना अच्छा लग नहीं रहा था, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा ये। इस क्राफ्ट आइटम में मैं कलर भी यूज़ कर रही हूँ और पेपर भी यूज़ कर रही हूँ। पेपर से मैं बर्ड्स बनाऊँगी और बाकी जितना पार्ट रहेगा वो मैं कलर के साथ इसमें यूज़ करूँगी। तो जैसो जब फर्स्ट कोटिंग ड्राई हो जाएगी उसके बाद आप सेकंड कोट अप्लाई करेंगे। फिनिशिंग के लिए ड्राई होने का इंतज़ार ज़रूर करना है। बोर्ड के किनारों पर भी साथ में ही पेंट कर लेंगे ताकि वो अनफिनिश्ड ना लगे और पूरी प्रॉपर उसकी फिनिशिंग नज़र आए। तो आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में थर्ड टाइम जो है जैसो अप्लाई कर रही हूँ। अब वाइट पेंट के साथ मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का शेड लिया है और उसको मिक्स करती जा रही हूँ। वाटर मैंने टच नहीं किया है, जस्ट डायरेक्ट वाइट पेंट और ब्लू पेंट लिया है जिससे ताकि मेरे स्काई और क्लाउड का इफेक्ट आ सके। और यहाँ पर ही मैंने लाइट पेंट लेकर, ब्लू पेंट लेकर क्लाउड्स भी हल्के हल्के ड्रॉ कर दिए हैं। अब नीचे मैं ग्रीन कलर से ग्रास और प्लांट्स वगैरह बनाती जा रही हूँ, साथ में बुशेस वगैरह। और मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन तीनों शेड्स यूज़ करने वाली हूँ। सिंपल ड्राई ब्रश इफेक्ट देना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर से भी टच दिया है। येलो कलर के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ ग्रासेस जो है ब्राउन कलर से भी ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा पेंट करती जा रही हूँ तो उससे हमारे ग्रास में वेरिएशन नज़र आएगी। और अब मैं ऊपर स्काई जहाँ पे बनाया था वहाँ पे कुछ लीव्स बनाने, स्टेम्स बना रही हूँ ताकि बेल का इफेक्ट दे सकूँ और अपने बर्ड्स जो है स्काई में हम बना सकें। तो मैंने डायरेक्ट ब्रश यूज़ किया है, पेंसिल का यूज़ यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। स्टेम्स ड्रॉ करने के बाद छोटी छोटी मैं लीव्स उनके ऊपर बनाती जा रही हूँ, जैसे हमारे प्लांट्स, मनी प्लांट्स वगैरह जो ऊपर लटकते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, सेम वैसे ही मैं यहाँ पर बनाती जा रही हूँ। बनाने से पहले एक बार रफ कॉपी में जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले लीव की, ताकि हाथ साफ हो जाए, और जब हाथ साफ हो जाए तो अपने मास्टर पीस के ऊपर डायरेक्ट आप ब्रश से लीव्स बना सकते हैं। जो डायरेक्ट चीज़ हम बनाते हैं उसके लिए पहले एक रफ प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हाथ साफ हो जाए और हमारे जो मेन DIY है वो ख़राब भी ना हो। और अभी यहाँ पे मैं कुछ स्पाइरल्स, वेव्स बना रही हूँ जिससे वो लीव्स को और अट्रैक्टिव बना रही हैं और मेरा लीव पैटर्न जो है बहुत सुंदर लग रहा है। रेड पेंट कलर को यूज़ करके मैंने फ्लावर्स भी बना लिए हैं छोटे छोटे। और अब अपने बर्ड्स बनाते हैं। बर्ड्स के लिए मैंने सिंपल एक पतली स्ट्रिप ली है पेपर की और उसको बीच में से नॉट, जैसे हम नॉट लगाते हैं वैसे टाई अप किया है। अब बर्ड की टेल के लिए मैं यहाँ पर इसको बारीक बारीक काट लूँगी ताकि हमारी जो टेल है वो ब्यूटीफुल लगे। और उसको पतले ब्रश के साथ एक एक स्ट्रिप को रोल कर रोल रोल करती जाऊंगी जिससे वो एक एक पंख जो है उसका अलग नज़र आएगा और उसकी टेल बहुत खूबसूरत लगेगी ऐसे। देखा हमारी बर्ड का टेल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
अब मैं यहाँ पर फेस ड्रॉ कर रही हूँ और साथ ही मैंने वहीं पर बिक भी ड्रॉ कर ली है और डायरेक्ट यहाँ से मैं कट करूँगी। और अब आईज़ के लिए मैं एक पेन से डायरेक्ट डॉट लगा दूँगी। ऐसे ही दूसरे वाले बर्ड को भी रेडी कर लेंगे। और अब हमारे दोनों बर्ड क्राफ्ट जो है रेडी है और ऐसे हमारा वेस्ट केक बेस से हमने एक बहुत सुंदर सा DIY बना लिया है। और अब अपने बर्ड्स को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, स्टिक कर देते हैं। बर्ड्स को चिपकाने के बाद मैं ग्रास में भी सोच रही हूँ कुछ छोटे छोटे फूल लगा देते हैं क्योंकि वो बहुत खाली लग रहे हैं। तो मैंने पंच से कुछ फ्लावर्स निकाल लिए हैं और उनको मैं डायरेक्ट स्टिक कर रही हूँ। वाओ, केक बेस से हमने कितना अच्छा DIY बनाया है। ये क्राफ्ट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे हमने एक वॉल डेकोर अपना तैयार कर लिया है और अब हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो आप भी घर पर ऐसे ही अपना एक सिंपल और इजी क्राफ्ट DIY रेडी कर सकते हैं। इससे वॉल डेकोर, होम डेकोर कुछ भी बना सकते हैं। केक बेस को फेंकने के बजाय उसे यूज करें।